अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं इस स्वेदाह क्लास एट हम कर रहे थे एक्सरसाइज टू बी एक्सरसाइज टू बी के फर्स्ट सिक्स क्वेश्चन मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ आज की वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन एट एंड नाइन क्वेश्चन नंबर सेवन के स्टेटमेंट प्रूव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर आपको एक सेट दिया गया नंबर्स का ठीक है इस पे आपने क्या करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को प्रूव करना है अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होती क्या है इसके लिए आप आ जाए पेज नंबर ट्वेंटी सेवन पे यहां पे आपको नजर आएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इसमें क्या कहा जाता है कि स्टेट दैट थ्री रियल नंबर्स के तीन रियल नंबर्स हैं कैन बी एडिट इन एनी ऑर्डर उनको एड किया जा सकता है किसी भी ऑर्डर में विदाउट इफेक्टिंग द रिजल्ट और रिजल्ट पे कोई अफेक्ट नहीं होना चाहिए कंसिडर कर रहे हैं कि ए बी एंड सी ठीक है तीन रियल नंबर्स अगर ये कंसीडर किए जा रहे हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन उसके मुताबिक फिर आ, आप कैसे इसको लिखेंगे तीन रियल नंबर्स को ए प्लस ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी आ जाएगा और फिर इज इक्वल के इस साइड पे ए प्लस बी ठीक है आप इनको ए और बी को एड कर रहे हैं फिर ब्रैकेट के बाहर प्लस सी तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को प्रूव कैसे करना होता है कि ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड कहलाती है ठीक है क्वेश्चन की ये राइट हैंड साइड है आपने इसको सॉल्व करना है सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर है ठीक है राइट हैंड साइड के जो आंसर के साथ मैच होना चाहिए दोनों साइड्स को आप वन बाय वन सॉल्व करेंगे फिर आप देखेंगे कि दोनों साइड्स का आंसर इक्वल आता है और इक्वल ही आना चाहिए तभी आप प्रूव कर सकेंगे कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है ठीक है अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन में हमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर सेवन में हमने प्रूव करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को तीन हमें रियल नंबर दिए गए हैं ठीक है नंबर दिए गए हैं फिफ्टीन थर्टी एंड टू पॉइंट फाइव इस पे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन प्रूव करते हैं एक्सरसाइज टू नंबर कोवन का फर्स्ट पार्ट फिफ्टीन थर्टी टू पॉइंट फाइव इस पे हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को प्रूव करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन जो है वो मैंने यहाँ पे लिख ली है ठीक है ए प्लस ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और ब्रैकेट के बाहर है प्लस सी ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये इसकी राइट हैंड साइड है आपने क्या करना है कि पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेना है और साबित करना है और फिर राइट हैंड साइड को लेना है ठीक है अब हम पहले तो ये लिख लेते हैं कि ये यहाँ पे हमारे ए बी और सी कौन कौन से हैं ये जो फर्स्ट पे दिया गया ना फिफ्टीन तो ये आपका कंसिडर होगा कि ये आपका ए है ए इज इक्वल टू फिफ्टीन ठीक है इसी तरह फिर आपने जो बी लिखना है वो बी आप सेकेंड वाली टर्म को लिख लेंगे बी हमारा आ जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं थर्टी ठीक है तो सी अब हमने लिखना है सी अब हम सी जो थर्ड वाली जो टर्म है उसको लिख लेंगे तो सी हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या हमें दिए गए है टू फाइव ये हम लिख लेंगे ठीक है ए बी एंड सी हमने लिख लिया है अब हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो है ये वाली साइड ठीक है इसको लेंगे और साबित करेंगे ठीक है यहाँ पे ले लेते हैं टेक लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये वाली है इसको लिख लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी अब इसके अंदर वैल्यूज ऐड करेंगे ए ए की वैल्यू 15 है तो 15 लिखेंगे प्लस ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी दिया गया है बी की वैल्यू 30 है प्लस सी सी हमें 2.5 दिया गया है ठीक है यह आपने जब लिख लेना है उसके बाद आपने क्या करना है कि फिफ्टीन को तो आप एज इट इज लिख देंगे इन दोनों टर्म्स को जो ब्रैकेट के अंदर है पहले हम उनको सॉल्व करते हैं तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे थर्टी में टू प्वाइंट फाइव को जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा थर्टी टू प्वाइंट फाइव ठीक है अब आपने क्या करना है इन दोनों को ऐड कर लेना है फिफ्टीन में थर्टी टू प्वाइंट फाइव को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा फोर्टी सेवन प्वाइंट फाइव तो यहाँ पे आप लिख लेंगे फोर्टी सेवन प्वाइंट फाइव ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है अब इसी तरह हम राइट हैंड साइड लेंगे अब आप लिखेंगे नौ वी टेक राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमारी ये वाली है ठीक है इसको हम लेंगे यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी वैल्यूज स्पोर्ट करेंगे ए हमें जो दिया गया है ठीक है वो क्या है आप देख सकते हैं हमें 15 दिया गया है तो यहाँ पे मैं 15 लिखूंगी प्लस बी कितना है थर्टी प्लस सी जो है वो हमें टू फाइव दिया गया है आप जो ब्रैकेट में जो टर्म्स है उनको पहले ऐड कर लेते हैं फिफ्टीन में थर्टी को आप ऐड करेंगे तो फोर्टी फाइव बनेगा प्लस टू प्वाइंट फाइव यहां पे इज इक्वल का साइन लगाते जाए ठीक है अब फोर्टी में टू फाइव को आप ऐड करेंगे तो ये बनेगा फोर्टी सेवन फाइव आप देख सकते हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वो आया था 47.5 और राइट हैंड साइड का भी आंसर हमारा 47.5 आया है ठीक है तो हम यहाँ पे लास्ट में क्या लिख देंगे हैंड्स प्रूफ ठीक है क्या प्रूव हो गया है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड यही हमने साबित करना था हमने प्रूव करना था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ठीक है ये हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन प्रूव किया है इन नंबर्स पे और ये तीनों जो नंबर्स पे हमने एक को ए कंसीडर किया दूसरे को बी और तीसरा जो हमारा सी था और हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के बिल्कुल इक्वल आ चुका है तो ये प्रूव हो चुका है अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट पे भी आपने क्या करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ही उसको प्रूव करना है सेकेंड पार्ट में आपको जो दिया गया है स्टेटमेंट थ्री बाई फाइव ट्वेंटी फोर अलेवन ये आपको नंबर्स दिए गए हैं ठीक है आपने यहां पे आप क्या कर लेना है कि ए जो है वो थ्री बाई फाइव कंसिडर कर लेना है बी ट्वेंटी फोर कर लेना है ठीक है सी अलेवन हो जाएगा ये हमने ए बी सी लिख लिया है आप क्या करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को हम यहां पे लिख लेंगे ये मैंने लिख लिया है ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ठीक है ब्रैकेट में प्लस सी अब इसमें से हम ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये ले लेंगे यहां पे मैंने लिख लिया टेक लेफ्ट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली है उसके बाद अब हम वैल्यूज इसमें पुट करेंगे ए की वैल्यू थ्री बाय फाइव थी आप देख सकते हैं यहां पे ठीक है तो मैंने थ्री बाई फाइव लिख प्लस फिर ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी है तो बी की वैल्यू यहां पे ट्वेंटी फोर है ट्वेंटी फोर लिखती है प्लस सी सी हमारा अलेवन है अलेवन दी है अब आपने क्या करना है ब्रैकेट वाली जो दोनों नंबर्स हैं इनको प्लस कर लेना है ट्वेंटी फोर में अलेवन प्लस करेंगे थर्टी फाइव आ जाएगा अब ये थ्री बाई फाइव है प्लस ये थर्टी फाइव है इसके नीचे कोई टर्म नहीं है तो हम वन लगा लेंगे क्योंकि हमने क्या करना है एलसीएम लेना है अब ये यह और वन है ठीक है और वन है अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो फाइव और वन का एलसीएम क्या आएगा फाइव ही आ जाएगा ठीक है यहां पे फाइव ले लिया है अब फाइव ये है डिनोमिनेटर में यहां पे भी फाइव है तो अब फाइव आपने क्या करना है फाइव जो एलसीएम का है वो और डिनोमिनेटर में फाइव है उस पर डिवाइड करना है फाइव वन जर फाइव तो आपका आंसर क्या आ रहा है वन वन को आप थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री आ जाएगा इसी तरह आप आपका यहाँ डिनोमिनेटर में वन दिया गया और यहाँ पे एलसीएम फाइव है आप क्या करेंगे कि यहाँ पे अंदर रखेंगे ठीक है फाइव को और वन पे डिवाइड करेंगे वन फाइव जर फाइव माइनस करेंगे ठीक है तो क्या आंसर आया फाइव इस फाइव को आप थर्टी फाइव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जब दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे थर्टी फाइव को फाइव के साथ तो वन सेवनटी फाइव आएगा अब वन सेवनटी फाइव में थ्री को एड करेंगे तो वन सेवनटी एट बाई फाइव ठीक है ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है वन सेवेंटी एट बाय फाइव अभी इसी तरह हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड लेंगे नाउ वी टेक राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमारी क्या थी ए प्लस बी प्लस सी ये ब्रैकेट में है और सी सेपरेट है अब वैल्यूज पुट करेंगे ए की वैल्यू थी थ्री बाय फाइव वो लिख देनी है बी की वैल्यू है ट्वेंटी फोर ठीक है अब आप देखें इस ट्वेंटी फोर के नीचे कुछ नहीं है मैंने वन लगाया है और सी जो है यहाँ पे अलेवन ये लिख देना है अब आप, आप देख सकते हैं कि यहां पे दो टर्म्स हैं, ठीक है दो नंबर हैं उनके दरमियान प्लस का साइन है हम यहां पे एलसीएम लेंगे नीचे डिनोमिनेटर में फाइव और वन दिया गया है फाइव और वन का एलसीएम फाइव ही आता है तो यहां पे फाइव लिख दिया है मैंने फिर क्या करेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर में यहां पे फाइव दिया गया है इस एलसीएम वाले फाइव को अंदर रखेंगे फाइव पे डिवाइड करेंगे तो फाइव वन जार फाइव आ जाएगा ठीक है वन आ गया वन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री आ जाएगा यहां पे भी इसी तरह करेंगे फाइव को अंदर रखेंगे वन पे डिवाइड करेंगे वन फाइव जर फाइव ठीक है वो जो फाइव आया है उस फाइव को आपने फिर क्या करना है ट्वेंटी फोर के साथ मल्टीप्लाई करना है फाइव फोर जर ट्वेंटी टू इसको देंगे फाइव टू जर टेन और टू ट्वेल्व वन ट्वेंटी आ जाएगा तो यहां पर वन ट्वेंटी लिख देंगे अब आप क्या करेंगे वन ट्वेंटी में थ्री को एड कर लेंगे 120 ट्वेंटी में थ्री को जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 123 ठीक है डिवाइडेड बाय 5 प्लस अलेवन ये वाला पोर्शन सॉल्व हो चुका है लेकिन अब क्या है कि नेक्स्ट पे 11 दिया गया उसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है हम 1 लगाएंगे अगेन इसको क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे 5 और 1 का एलसीएम फिर से क्या आ जाएगा फाइव आ जाएगा यहाँ पे मैंने फाइव लिख लिया है अब फाइव को यहाँ पे डिनोमिनेटर में फाइव दिया गया है इस फाइव को अंदर रखेंगे फाइव पे डिवाइड करेंगे फाइव वन फाइव वन आ जाएगा वन को आपने 123 से मल्टीप्लाई करना है ठीक है 123 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 123 ही आएगा फिर प्लस का साइन एज एट इज फिर आपने क्या करना है कि फाइव को अंतर रखना है वन यहाँ पे जो डी में वन दिया गया उस पर डिवाइड करेंगे वन फाइव जर फाइव हो जाएगा फाइव आ गया उस फाइव को आपने अलेवन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका आ जाएगा फिफ्टी फाइव तो फिफ्टी फाइव यहाँ पे हमने लिख देना है ठीक है अब वन ट्वेंटी थ्री में फिफ्टी को आपने एड करना है तो वन सेवेंटी आप देख सकते हैं कि जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था वो भी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 178 सेवनटी एट बाय फाइव था और राइट हैंड साइड का आंसर भी हमारा क्या आ रहा है 178 सेवनटी एट बाय फाइव तो लास्ट में फिर हम क्या लिख देंगे हैंड्स प्रूवड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्वेश्चन नंबर सेवन कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर एट करते हैं एक्सरसाइज टू बी का क्वेश्चन नंबर एट है प्रूव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन फॉर द फॉलोइंग ठीक है आपको नंबर दिए गए हैं इसपे आपने क्या करना है प्रूव करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन को ओवर एडिशन ठीक है इसको हमने प्रूव करके बताना है अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन होती क्या है इसके लिए आप आ जाए पेज नंबर ट्वेंटी एट पे यहां पे आपको नजर आ रही होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ठीक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती क्या है इसमें आपको डेफिनेशन इसकी नजर आ रही होगी रियल नंबर्स आर डिस्ट्रीब्यूटिव रियल नंबर्स को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है विद रिस्पेक्ट मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन एंड सब्टन हम यहाँ पे ओवर एडिशन की बात करेंगे ठीक है क्योंकि हमें क्वेश्चन में ओवर एडिशन कहा गया है यानी ए बी सी ठीक है ये रियल नंबर कोई से हो सकते हैं तो यहाँ पे हम इस प्रॉपर्टी को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ए मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी क्योंकि हमें ओवर एडिशन कहा गया है क्वेश्चन में तो हम ये वाली प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई करेंगे ठीक है क्योंकि ओवर एडिशन में ये प्लस का साइन आ जाएगा यहां पे ए मल्टीप्लाई बाय बी और प्लस आ जाएगा और ब्रैकेट में ए मल्टीप्लाई बाय सी ठीक है ये हमारी प्रॉपर्टी इस जो क्वेश्चन में जो अभी हम करने वाले हैं इसमें यह यूज होगी ठीक है क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज टू बी का क्वेश्चन नंबर एट का फर्स्ट पार्ट है वन पॉइंट फाइव थ्री और एट ये आपको तीन नंबर दिए गए हैं ठीक है थीके? हमने इसको क्या करना है प्रूव करना है इस पे कि कौन सी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन ठीक है प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिख ली है ठीक है आप देख सकते हैं उसके बाद अब हम यहाँ पे ए बी सी लिख लेते हैं कि ए हमें क्या दिया गया है यहाँ पे देख सकते हैं वन पॉइंट फाइव बी क्या दिया गया है थ्री और सी हमें दिया गया है एट ये लिख लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे इसके लेफ्ट हैंड साइड लेंगे नाउ आप साथ साथ ऐसे ही लिखेंगे नाउ वी टेक लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये वाली है हम इसको लिखेंगे ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी अब ए जो है वो 1.5 है मैं यहाँ पे 1.5 लिख दूंगी ठीक है और ब्रैकेट में बी प्लस सी बी थ्री दिया गया है प्लस सी हमें दिए गए एट ये लिख देंगे अब वन पॉइंट फाइव तो एज इट इज आ जाएगा थ्री प्लस एट कितना हो जाएगा अलेवन अब अलेवन को आपने क्या करना है वन पॉइंट फाइव के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर आएगा सिक्सटीन फाइव ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है इसी तरह अब हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड ले लेंगे यहां पे लिखेंगे नाउ वी टेक राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमारी ये वाली है ठीक है आप देख सकते हैं इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c वैल्यूज पुट करेंगे a की वैल्यू जो हमें गिवन है वो है 1.5 पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाय बी बी हमें थ्री गिवन है प्लस a फिर से 1.5 पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाय सी सी हमें एट दिया गया है ठीक है अब वेल्यूज को इन दोनों को वन को थ्री से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.5 को हम जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4.5 और 1.5 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर 12 ठीक है अब आप क्या करेंगे कि 12 और 4.5 को ऐड कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा 16.5 आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 16.5 था राइट हैंड साइड का आंसर भी सिक्सटीन था ठीक है अब हम क्या लिखते लास्ट में हैंस प्रूवड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्वेश्चन नंबर एट का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं इसी तरह हम इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं उसपे भी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन को प्रूव करना है सेकंड पार्ट में आपको जो नंबर्स दिए गए हैं आप देख सकते हैं हमें दिए गए है टू फोर बाय फोर्टीन सेवन बाय फिफ्टीन ठीक है ये तीन नंबर हमें दिए गए है अब मैंने क्या किया है इसको ए कंसिडर किया है फोर बाय फिफ्टीन को बी और सी सेवन बाई फिफ्टीन को कंसिडर किया है तो ये मैंने ऐसे लिख लिया है उसके बाद ये प्रॉपर्टी मैंने लिख ली है ठीक है अब हमने क्या करना है प्रॉपर्टी के लेफ्ट हैंड साइड को लेना है लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ पे लिख के और फिर क्या किया है कि यहां पे वैल्यूज पुट किए ए की, की वैल्यू थी टू ये लिख दी है मल्टीप्लाई का साइन ऐसे बी की वैल्यू थी फोर बाय फिफ्टीन प्लस सी की वैल्यू थी सेवन बाय फिफ्टीन नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है टू को ऐसे लिख के मल्टीप्लाई ठीक है मल्टीप्लाई बाय अब यहाँ पे नीचे डी में फिफ्टीन है इधर भी फिफ्टीन है तो एलसीएम हमारा फिफ्टीन आ जाएगा ठीक है फिर आप क्या करेंगे फिफ्टीन को अंदर रखेंगे फिफ्टीन पे डिवाइड करेंगे फिफ्टीन वन से फिफ्टीन वन को आप फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर आ जाएगा यहाँ पे भी क्या करेंगे फिफ्टीन अंदर रख के एलसीएम वाला और इस फिफ्टीन पे डिवाइड करेंगे वन आएगा वन को सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेवन आ जाएगा अब आप देख सकते हैं सेवन प्लस कितना हो जाएगा अलेवन यहाँ पे अलेवन नीचे फिफ्टीन और बाहर टू ऐसे लिख देंगे अब अलेवन और टू आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अलेवन टू साइड ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू बाय फिफ्टीन लिख देंगे ठीक है ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है अब हमने राइट हैंड साइड लेनी है राइट हैंड साइड मैंने ये नाउ नो टेक राइट हैंड साइड इसमें हमने ये वाली साइड लेके ठीक है वैल्यूज पुट करनी है ए की वैल्यू टू बी की वैल्यू फोर बाय फिफ्टीन प्लस ए टू और सी की वैल्यू सेवन बाय फिफ्टीन अब हमने यहां पे चूंकि दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है फोर को टू से मल्टीप्लाई करेंगे एट नीचे फिफ्टीन आ जाएगा प्लस का साइन एज इट इज सेवन टू जर फोर्टीन और नीचे फिफ्टीन आ जाएगा डिनोमिनेटर में फिफ्टीन और फिफ्टीन है तो आप एलसीएम में क्या आ जाएगा फिफ्टीन आ जाएगा यहाँ पे मैं फिफ्टीन लिख चुकी हूं आपने क्या करना है फिफ्टीन को अंदर के फिफ्टीन पे डिवाइड करना है तो फिफ्टीन वन जर फिफ्टीन आएगा वन को एट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एट आ जाएगा सेम स्टेप यहां पे फिफ्टीन आपने अंदर रखना है फिफ्टीन पे डिवाइड करना है फिफ्टीन वन जर फिफ्टीन वन को फोर्टीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्टीन आ जाएगा फोर्टीन में एट को एड करेंगे ट्वेंटी टू नीचे क्या आ जाएगा फिफ्टीन आप देख सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी ट्वेंटी टू बाई फिफ्टीन आया था और राइट हैंड साइड का आंसर भी हमारा क्या आ चुका है ट्वेंटी टू बाई फिफ्टीन ठीक है इट्स मीन के हमने जो क्वेश्चन किए हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने जो सॉल्व की है ओवर एडिशन तो ये हमारी बिल्कुल करेक्ट है तो हम यहाँ लास्ट पे लिख देंगे हैंड प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्वेश्चन नंबर एट हो गया क्वेश्चन नंबर नाइन करते हैं एक्सरसाइज टू बी का क्वेश्चन नंबर नाइन है प्रूव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्वेश्चन नंबर सेवन में हमने की थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लेकिन एडिशन की की थी ठीक है अभी यहाँ पे हमें कहा गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन अब ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी होती है इसके लिए भी आप पिछले पेज पे आ जाए यहाँ पे आपको इसकी डेफिनेशन नजर आएगी हम यहाँ पे देख सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ठीक है यहाँ पे आपको नजर आएगी ये डेफिनेशन स्टेट दैट थ्री रियल नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि तीन रियल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं इन ऑर्डर इन एनी ऑर्डर किसी भी ऑर्डर में विदाउट अफेक्टिंग द रिजल्ट रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ठीक है इस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ए मल्टीप्लाई बाय ठीक है ब्रैकेट के अंदर बी मल्टीप्लाई बाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई बाय सी तो ये वाली प्रॉपर्टी हम इस क्वेश्चन नंबर नाइन के अंदर यूज करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर नाइन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें जो दिया गया है बच्चों आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट में हमारे जो तीन नंबर हमें दिए गए हैं ठीक है थीके? वो कौन कौन से हैं हंड्रेड ट्वेंटी फाइव और थ्री थाउजेंड सेकेंड पार्ट में माइनस फाइव ट्वेंटी फोर बाय फाइव तो दोनों पार्ट को वन बाय वन हम सॉल्व कर लेते हैं पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं एक्सरसाइज टू बी को क्वेश्चन नंबर नाइन का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें हमें नंबर तीन ये दिए गए इस फर्स्ट वाले नंबर को मैं ए से रिप्रेजेंट कर दूंगी कि ये ए है ये सेकंड वाला बी है और सी जो है वो थ्री थाउजेंड आ जाएगा ठीक है तो उसके बाद ये प्रॉपर्टी मैंने लिख लिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन इसको लिख लिया अब हम इसके क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे यहां पर लिखेंगे नो वी टेक लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी ठीक है इसमें अब वैल्यूज को पुट करेंगे ए जो है हमें गिवन है कितना दिया गया है वो हंड्रेड तो अब यहाँ पे हंड्रेड लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे बी है बी ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई बाय सी सी दिए गए थ्री थाउजेंड ठीक है अब हंड्रेड ऐसे ही आएगा मल्टीप्लाई बाय 25 को 3000 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 75000। अब 75000 को आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है तो यहां पे तीन जीरो हैं, दो जीरो और ऐड हो जाएंगे तो कितनी जीरो आ जाएंगी फाइव जीरो हो जाएंगी तो ये आ, तो आ चुका है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर अभी हम इसी तरह राइट हैंड साइड ले लेते हैं नाउ वी टेक राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमारी क्या है ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी अब इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे ए जो है हमें हंड्रेड दिया गया है मल्टीप्लाई बाय बी बी ट्वेंटी फाइव दिया गया है मल्टीप्लाई बाय सी सी हमारा है थ्री थाउजेंड ट्वेंटी फाइव को आपने हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर आ जाएगा ट्वेंटी फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय थ्री थाउजेंड अब आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेवेंटी फाइव और साथ में दो जीरो ये और तीन जीरो ठीक है टोटल फाइव जीरो हो जाएंगे तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारा क्या आया था सेवनटी फाइव और यहां पे काउंट कर लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव जीरो यहां पे भी थी और यहां पे भी है यानी दोनों साइड के आंसर हमारे इक्वल आ गए हैं आप लास्ट में लिख देंगे हैंड्स प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्वेश्चन नंबर नाइन का ये फर्स्ट पार्ट था जो कि हो चुका है अब इसका सेकंड पार्ट भी इसी पैटर्न पे हम कर लेते हैं यही प्रॉपर्टी हमने सेकंड पार्ट पे भी अप्लाई करनी है आप देख सकते हैं कि ये मैंने सेकंड पार्ट यहाँ पे लिख लिया माइनस फाइव ठीक है ट्वेंटी फोर बाय फाइव ए यहाँ पे माइनस फाइव है बी यहाँ पे ट्वेंटी और सी यहां पे फोर बाय फाइव है ठीक है अब हम इसमें भी इसी तरह करेंगे फर्स्ट पे हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे ये वाली फर्स्ट वी टेक लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है हमारी ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी वैल्यूज पुट करेंगे ए हमें यहाँ पे माइनस फाइव दिया गया है माइनस फाइव लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय बी ट्वेंटी दिया गया है और सी हमें फोर बाय फाइव दिया गया है ठीक है अब हम इनको सॉल्व करेंगे कैसे सॉल्व करेंगे माइनस फाइव को ऐसे ही रहने देंगे मल्टीप्लाई बाय अब अंदर जो दोनों टर्म्स है ट्वेंटी और फोर को मल्टीप्लाई करेंगे तो बाय फाइव आ जाएगा ठीक है अब आप क्या करेंगे कि ये फाइव इस फाइव से कट कर दें ठीक है फाइव आंसर फाइव आ जाएगा ना एटी को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एटी आ जाएगा ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है इसी तरह अब हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड ले लेंगे नाउ वी टेक राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड है ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी अब इसमें भी A वेल्यू पुट करेंगे ए की वैल्यू जो है वो माइनस फाइव है बी की वैल्यू हमें ट्वेंटी दी गई है और सी की वैल्यू है फोर बाय फाइव इस तरह लिखने के बाद ट्वेंटी को माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हंड्रेड हो जाएगा फोर बाय फाइव अब आप कटिंग कर लें फाइव वन जार फाइव फाइव टू जार टेन जीरो तो माइनस ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाय फोर माइनस ट्वेंटी को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एटी आ जाएगा ठीक है हमारे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी माइनस एटी आया है और राइट हैंड साइड का आंसर भी माइनस एटी आया है तो अब लास्ट पे आप क्या लिख देंगे हैंड्स प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड तो अब यहां पे मैं लास्ट पे ये लिख देती हूं हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्वेश्चन नंबर नाइन कंप्लीट हो चुका है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके थैंक यू एंड हाफिज